हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल है क्या, तो आज हम सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेल है क्या। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कुछ बेसिक टॉपिक भी बताए थे जो सभी स्टूडेंट को क्लियर होने चाहिए। तो उन बेसिक टॉपिक में से एक टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेल है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो देखते आइए, वॉट इज सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, फंक्शनल यूनिट। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। यानी कि जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर्स कौन है, रॉबर्ट हुक। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन बन के आ रहा है। इनको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। कब लिखी थी, 1665 में। और हाँ, इन्होंने इसमें ही सेल के बारे में बताया था। तो अब आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया कि साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी वो होता है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें फुल डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, या फिर इसको सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया था। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम कॉर्क सेक्शन। इन्होंने कॉर्क के सेक्शन से सेल को डिस्कवर्ड किया था। और हाँ, इन्होंने कुछ कंपार्टमेंट देखे थे जो एक रूम की तरह दिखाई दे रहे थे, लाइक ए बॉक्स की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसे इन्होंने सेल का नाम दिया था। इन्होंने एक डेड सेल को लेकर डिस्कवर्ड किया था। क्या किया था, डेड सेल को लेकर डिस्कवर्ड किया था। तो फ्रेंड्स, क्या हम सेल को नेकेड आई से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन बी सीन प्रॉपरली व्हेन मैग्नीफाई एंड व्यूड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो सेल होती है वो वेरी वेरी स्मॉल यूनिट होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी इकाई होती है, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हम इन्हें केवल इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ये देखते हैं माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप आर ऑफ थ्री टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको डिस्कवर्ड किसने किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय एंटीन लिवनोक। और हाँ, जो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसी से रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर कराया, फ्रांसिस एंड जेरियस। किसने, फ्रांसिस एंड जेरियस ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल एंड रुस्का, किसने किया है, नोल एंड रुस्का। फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अब सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडन 1838 एंड स्वान 1839। सेल थ्योरी को किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेल, सेल है क्या। सेल का जब एक ग्रुप मिलता है ना, तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन पैनक्रियाज लीवर, लीवर ठीक है, क्या है, पैनक्रियाज लीवर। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ETC। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म यानी कि पॉपुलेशन, आबादी, यानी कि पूरा एक ह्यूमन बीइंग रेडी होता है। तो इस तरह सेल का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो सेल थ्योरी देख ली किसने दी, सेल थ्योरी वाज जॉइंटली पुट फॉरवर्ड बाई स्लाइडन एंड स्वान इन 1839। स्लाइडन एंड स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी को फॉरवर्ड किया था। सेल थ्योरी स्टेट दैट बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यही बताता है कि जितने भी जीव होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी जीव बड़े से बड़े व छोटे से छोटे जितने भी होते हैं ना, सब में सेल पाया जाता है। सेल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो लाइफ प्रोवाइड करता है, फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं। सेल कहाँ से बनता है, सेल ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। जितनी भी सेल होती है वो प्री एग्जिटिंग सेल से बनती है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप ऑफ सेल के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें।